19 साल के युवक को अमेरिका भेजने के नाम पर सर्बिया के जंगलों में छोड़ दिया गया। युवक के परिजनों ने सोमवार को जिला सचिवालय पहुंचकर एसपी को मामले से अवगत कराया है और परिवार ने अपनी 3 एकड़ में से 2 एकड़ जमीन बेचकर अमेरिका भेजने के पैसे जुटाए थे। मामले में निसिंग थाने में आपको बता दें कि एजेंट समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एसपी गंगाराम पुनिया ने परिजनों को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मां राजवींद्र कौर ने बताया कि 31 मार्च को आखिरी बार बेटे से बात हुई थी, इसके बाद जो है तब तक की किसी भी घटना के बारे में हमें खुद जानकारी नहीं दी गई। वहां से दूसरे किसी बच्चे ने अपने माँ को हमारे बेटे के बारे में बताया, तब हमें पूरी घटना के बारे में पता चला। एजेंट से कहा, पहले तो वो मना ही नहीं करे और फिर भरोसा देता रहा कि बच्चा आपको ढूंढ कर देंगे। राजवेंद्र कौर ने बताया कि एजेंट के साथ उनकी 45 लाख रुपए में बात शुरू हुई थी, 43 में तय हुआ और फिर बच्चे को सीधे अमेरिका उतारेंगे, वहां से कुछ दिन बाद सर्बिया ले जाया जाएगा। सर्बिया से उन्हें जंगल के रास्ते ले जाने लगे तो जश्नप्रीत ने कहा कि बात तो सीधे जाने की हुई है, वहां पर उसे मारा पीटा गया और उसे साथ ले जाने से मना कर दिया गया और बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई और वहां भी उसे पीटकर बीच रास्ते में ही छोड़ दिया गया। मेरा बेटा 31 मार्च में लास्ट गल हुई, उसके बाद नहीं पता भी मैं किमें की किया है, कि जंगल च वाड़िया छोड़िया जा पता नहीं दसिया को दसिया किसी मुंडे ने, फिर दसिया उन्होंने अपने मामी दसिया, उन्हें अमरीका च फोन किया भी बच्चा थोड़ा जंगल के ना कुत्तिया मारिया तो जंगल से रह गया, पानी बड़ी जमी लत्तां लुत्तां सूतियां बड़ा मतलब बच्चे का बुरा हाल सी। ऐसे सर एजेंट जो मेन एजेंट हमने तो जिसको पैसे देने थे या हमारी जिससे बात हुई थी वो बलबीर सिंह सन ऑफ छवेक सिंह है, यही इनका पड़ोसी है और ये इन्होंने मतलब बहुत विश्वास से उनके ऊपर जो ये मतलब उनको दे दिया था कि जो भी अपने बच्चे को भेजने का उसने लिया था, अभी हमें आपके बच्चे को 1 नंबर पर फ्लाइट के द्वारा वहाँ तक मैक्सिको तक भेजूँगा। तो इस संबंध जो आपने घटना का जिक्र किया था, इस संबंध में थाना निसिंग में एक मुकदमा दर्ज है। आज परिजन मेरे समक्ष पेश हुए थे और उन्होंने पूरी अपनी बात बताई थी। मैंने एसएचओ को निर्देशित किया है कि इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो बच्चा है वो कहाँ तक पहुँचा है और आगे क्या स्टेटस है। साथ ही मैं सभी अभिभावकों से और परिजनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को विदेश भेजना अच्छी बात है, जो भी आगे वो किसी भी प्रकार रोजगार के लिए अगर वहाँ जा रहे हैं तो, लेकिन तो युवक के साथ ये धोखाधड़ी हुई है। आपको बता दें कि एजेंट ने अमेरिका भेजने के नाम पर 43 लाख रुपए ऐठे। एजेंट ने बेटे को जंगल में छोड़ा और इसके साथ ही एजेंटों ने अमेरिका भेजने का झांसा दिया था और जिसके एवज में आपको बता दें कि 43 लाख रुपए जो है लिया गया और 43 लाख रुपए में अमेरिका भेजना तय किया गया। परिजनों ने अपने 3 एकड़ जमीन में से 2 एकड़ जमीन बेचकर ये पैसे इकट्ठा किए और बेटे को अमेरिका भेजने के लिए तैयार हो गए। बेटे को अमेरिका भेजा गया जिसके बाद से अब खबर ये सामने आ रही है कि बेटे को एजेंटों ने सर्बिया के जंगलों में मार पीट कर वहां पर छोड़ दिया है। तो अमेरिका भेजने के नाम पर यह धोखाधड़ी हुआ और 43 लाख रुपए एजेंट के द्वारा ऐठे गए हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है और एक मां लगातार गुहार लगा रही है। तो करनाल के निसिंग के 19 साल के युवक को अमेरिका भेजने के नाम पर 43 लाख रुपए ऐठे गए और अभी इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। तो सर्बिया के जंगलों में छोड़ दिया गया युवक को, फिलहाल बेटा अभी कैसा है किस हालत में है ये जानकारी नहीं है और घर पे परिजन परेशान हैं, रो रो कर बुरा हाल है, मां लगातार गुहार लगा रही है पुलिस प्रशासन से कि जल्द ही बेटे की वापसी कराएं। ज्यादा जानकारी के साथ दुर्गेश संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दुर्गेश, क्या जानकारी मिल रही, माफ करिएगा गुरुदेव नाम है, गुरुदेव संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुरुदेव, क्या जानकारी मिल रही है बेटे को लेकर, उस युवक की कोई खबर मिली, ठीक है क्या है और पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह से जांच कर रही है?
देखिए, पुलिस ने लगातार इस पे अपनी जांच गंभीर रूप से करनी शुरू कर दी है। एजेंट को पहले काबू में किया जाने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद जो और लोग उसके साथ गए थे, और बच्चे जो साथ गए थे, तो पुलिस जो है लगातार उनसे भी संपर्क साध रही है ताकि बच्चे का कहीं ना कहीं कुछ पता चल सके। लेकिन बात अगर उसके परिवार की जाए तो उसकी माँ की हालत जो है इस वक्त काफी गंभीर बनी हुई है और वो कुछ भी बात करने में अभी समर्थ नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो मामला है अभी काफी गंभीर बना हुआ है। इसके अलावा क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या गुरुदेव जो एजेंट जिसके जरिए भेजा गया था उनसे कुछ पता चल पा रहा है कि अभी युवक किस हाल में है? देखिए, एजेंट या दूसरे बच्चों के उसे अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आखिरी जानकारी जो मिली थी वो 31 मार्च को मिली थी परिवार को, लेकिन उसके बाद बच्चा जंगल में किस हालत में है, कहां पर पहुंचा है, जिंदा है या नहीं है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। तो क्या बीते एक महीने से युवक के अपने परिवार वालों से बातचीत नहीं हो पाई है? नहीं, युवक के जो परिवारजन है उनकी पिछले एक महीने से बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो बच्चे साथ गए थे उनके परिजनों से जरूर उनकी बात हुई है। उन्होंने कुछ उसके बारे में बताया कि उस बच्चे के साथ जो है सर्बिया के जंगल में। ठीक है गुरुदेव, आप हमारे साथ बने रहिए। राजविंदर कौर जी हमारे साथ बनी हुई है जो की युवक की माँ है, पीड़ित माँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राजविंदर जी, जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया है, मैं चाहूंगी एक बार आप पूरा विस्तार से बताएं ताकि शासन प्रशासन तक भी आपकी आवाज जो है वो पहुंच सके और आपकी मदद हो सके। किस तरह से आपने अपने बेटे को अमेरिका भेजने के लिए एजेंट से बात की, वो कौन था, कहां का रहने वाला है? उसने क्या जंचने सानू कि बाहर भेजो तो किसे पैरी सी साड़ी वो अस भेज दी है। कह लगा भी 43 लाख दे दो भी ऐड करा गा भी 48 घंटिया गए मेरे। हाँ जी, काम इतने करता सी बच्चा मिस्त्री का, बच्चा 18 साल का बच्चा है, बड़ा शरीर बच्चा, अमृतधारी बच्चा है मैडम जी, बड़ा जरा वधिया बच्चा भी है, गरीब बच्चा भी, किसी ने माड़ी नहीं करनी, किसी ने चंगी नहीं करनी। एजेंट ने क्या है भी एदा बच्चे का मतलब कामयाब बड़ा बच्चा इतने लिए इन्हों मैं पाल दूँ। अच्छा राजविंदर जी, आपकी आखिरी बार अपने बेटे से बात कब हुई है? 31 मार्च को हुई है, 12-13 फरवरी उतर गया जी मैडम जी। बच्चा मेरा एन प्यार हो तो सोहना चन चन हो के गया, इन्ना सोहना मत्था टेक के गुरु घर गया है। फिर रात होंगी रही है, फिर 31 मार्च में लास्ट की गल हुई है, कमरे च बैठे ने तो उन्हें सामने बच्चे ने नहीं दसिया भी इन्हें बच्चे ने यह फ्लैट से जाना है, तो उन्हें बच्चे ने नहीं दसिया, पता नहीं धमकाया डराया है बच्चे ने, नहीं सामने दसिया ना सामने पता सी सामने तो अभी 43 लाख में गल हुई है। तो अच्छा राजविंद्र जी, कैसे आपको पता चला कि आपका जो बेटा है वो सर्बिया के जंगलों में उन्हें छोड़ दिया गया है और उन्हें मारा पीटा गया है, ये जानकारी आपको कैसे हासिल हुई? फिर 31 मार्च में साड़ी गल हुई तो उस बाद नहीं गल हुई, ना पता नहीं लगा कि लाश किता मारिया कुटिया बच्चे नू, बच्चा मसीन जहा बच्चा सी, कोई खाना पीना नहीं उन्हें बच्चे मतलब मीट नहीं खाता आंदा नहीं खाता, कई दिन कमरे से भुखा रखा है ना। मुंडे ने बताया को नहीं सामू, मुंडे ने यही सोचा मेरी माता मेरी टेंशन करेगी कि अगे ही बड़ी कहानी है, मेरी माता भी टेंशन करेगी, तो वह तो हम मजे करता है नहीं बीमार भी रहा वो मतलब। हाँ जी, तो आप भी इस तरह ही फिर बच्चे ने नहीं पाया, सानू नहीं पता, असं आख्या भी चल फ्लैट होनी है तो फोन तो नहीं लगा, फिर इन्हें इन्ना पता नहीं 1 तरीक न वारिया 2 तरीक ना जंगल च वार दिता। आपने आपने एजेंट से फिर से बात करने की क्या कोशिश की राजविंद्र जी, जिस एजेंट के जरिए आपने अपने बेटे को अमेरिका भेजा, आपने उन्हें पैसे दिए, उसके बाद 31 मार्च के बाद से आपने एक भी बार क्या एजेंट से बात करने की कोशिश की? झूठ बोलते था ना, बताने झूठ बोलते हमारे भरा पड़ोस में ही है, कहता भाभी चढ़ाए अच्छे ता नहीं फोन लगा जे ठंडा, फिर सानू नहीं प्यारी सानू बताया को नहीं गा, सानू कोई पता नहीं, असं आखिया चल फ्लैट होनी है फ्लैट के फोन बंद कर देंगे, असं फिर सोचा इन्हें सानू बताया को नहीं गा। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या किस तरह से मदद आपकी की जा रही है, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में जब
आपने शिकायत दर्ज कराई तो फिर मैं बतानी हाँ फिर इन्हें बताया को नहीं दो तीन तरीक ना चार पिंड आए मुंडा जशन जशन इटली पहुंच गया ठीक है। ऐसे में क्या आपने अपने क्षेत्रीय विधायक या सांसद किसी से बातचीत करने की कोशिश की या फिर उनसे कुछ मदद की गुहार लगाई है आपने? मीडिया वाले आए थे ने वो ये सांसद वो बना के लाए थे मीडिया के सारे फैल गए ने अभी हमें किसी ने भी पता लगे मेरे पुत्र का बच्चे का भी मेरे वास्ते रास्ते कोई भी मैनू दस दे मेरा पुत्र राजी रहे महाराज बाबा मेरे बच्चे की जिंदगी बचाई रखी मासूम जहा बच्चा मेरा अमृत सारी बच्चा है फिर तुम बतानी हाँ फिर इन्होंने जंगल की छोड़ दिता इन्हें बताया को नहीं मैडम आ महाराज मथे लगता सच्ची सही गल है कि इन्हें बताया को नहीं गा मैनू कहते नहीं इटली पहुंच गया मैं क्या चल कोई गल नहीं इटली पहुंच गया होना है करते ना फोन आता है बच्चे का फोन ना चार्जर को नहीं होया एजेंट कहता नहीं आंता जशन का फोन चार्जर को नहीं होया चार्जर करवाया तो एक दो दिन चलेगा मैं फोरी सा मैं पिछले लग गई मैं समझ लिया सच्ची गल मान ली होगी फिर तू चाहिए पांच तरीक न मैनू ना इन्हें नहीं बताया जेंट ने नहीं बताया मैनू पांच तरीक न फोन अमेरिका तो आना राजविंदर जी जिस तरह से आपका बेटा जो है कुछ पता नहीं चल पा रहा है ऐसे में इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार इस खबर को बेहद प्रमुखता के साथ दिखा रहा है ताकि शासन प्रशासन तक आपकी समस्या जो है वो पहुंच सके और आपकी समस्या का समाधान हो आपकी आवाज़ हम उठा रहे हैं। क्या कहेंगी आप? जिथे भी है किसी कंप कितने जंगल से ना छोड़िया मुंडा तो जंगल के अच महीना तो तीन एक महीना तो तीन दिन हो गए जे मैनू नहीं पता मेरा पुत्र जंगल से की खाता है की नहीं खाता भुखा तरसा रहा जे मैं आनी हाँ बाबा गुरु नानक पत्थर च कीड़ा उन्होंने भी रोटी देना है मेरे पुत्र ने भी दो टाइम की रोटी दी मेरे पुत्र ने भी दई मैं तो पुकारा करनी है मेरे बाबे अगे मैं बड़ी दुखी हाँ मेरा बच्चा कोई लभ के देगा ना मेरे वास्ते रबे मेरे वास्ते तो रब मेरा घर वापस देगा मैं बड़ी दुखी हाँ मैं ना बड़े पिछे तो मैं ना बड़ी नरक कट्टी है पिछे भी मेरा पुत्र होया ना हूँ जवान तो मैं हूँ दुनिया से आई साजे हूँ मैं आ मुसीबत पै गई मेरा बच्चा लग गया ना मैं जारी दुनिया से मैं निकी जी धी है इन्नी टेंशन कर दी तो पढ़ दी पेपर भी कौन दे सकती हो पेपर भी मैं रह गए ने बिल्कुल राजवेंद्र जी हम समझ सकते हैं आपकी स्थिति इस समय क्या है और एक बेटे की लगातार आप एक बेटे को खोजने के लिए गुहार लगा रही हैं।